हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल बेसिक स्टडी 2.0। दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से जो है 5 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स जो है लेकर आ गया हूँ, जो कि इस वीडियो में 10 क्वेश्चन को जो है देखा जाएगा। तो आप लोग पहली बार हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन में। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जो है ग्रीन कवर इंडेक्स तैयार करने के लिए किस तकनीक का जो है उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सेटेलाइट जो है इमेजिनरी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेटेलाइट इमेजिनरी, ये जो है सेटेलाइट इमेजिनरी जो है यहाँ पे, ये जो है NHAI जो है इसने भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए जो है ग्रीन कवर इंडेक्स के विकास और रिपोर्टिंग के लिए जो है NRSC के साथ जो है समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है दो नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, बेंगलुरु में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए जो है किन दो संगठनों ने साझेदारी की है। तो आपको बता दिए जो संगठन है दो, एक है सेलुलर और आणविक प्लेटफॉर्म, दूसरा है थर्मो फिशर साइंटिफिक केंद्र है, ठीक है। तो ये जो है बेंगलुरु में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए जो है संगठन की साझेदारी किया है, ठीक है। ये थर्मो फिशर है और सीकैफ बेंगलुरु में उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करेगा, ठीक है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, तो यहाँ पर 3रा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किस राज्य सरकार ने जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2750 रुपये से जो है बढ़ा करके यहाँ पर 3000 रुपये जो है कर दिया गया है। तो ये कौन सी राज्य है, ये राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। कौन सी राज्य है जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन को जो बढ़ा करके 2750 रुपये से 3000 रुपया कर दिया गया है। ये जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है 3000 रुपये की बढ़ी हुई सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो वितरित की है। चलिए इसी के साथ 4 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहा है केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह द्वारा लॉन्च किए जाने वाले जो नए पोर्टल से जो है किस प्रकार की दाल उत्पादक किसानों को सुविधा मिलेगी। तो ये जो है तुअर की दाल है, ठीक है, तुअर की दाल है, ठीक। इसमें जो है अमित शाह जी ने भारत के तुअर दाल उत्पादक किसानों के पंजीकरण खरीद भुगतान के लिए जो है पोर्टल लॉन्च करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो है आत्मनिर्भर उत्सव में अर्बन स्क्वायर ने, ठीक है, पवेलियन मुख्य रूप से जो है किस क्षेत्र को लाभ किस क्षेत्र को जो है लक्षित करता है यहाँ पे। ये जो है हथकरघा और हस्तलिपि को जो है लक्षित करता है, ठीक है। ये जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने जो है नई दिल्ली में आत्मनिर्भर उत्सव में अर्बन स्क्वायर पवेलियन का उद्घाटन किया है, ठीक है। चलिए इसी के साथ है विश्व ब्रेल दिवस 2024 का विषय क्या था। तो ब्रेल दिवस जो है ऐसे 4 जनवरी को मनाया जाता है, इसका थीम यहाँ पे पूछ रहा है कि थीम क्या था इसका, ठीक है। तो थीम हम देखते हैं, तो चलिए ब्रेल लिपि जो दिवस है 4 जनवरी को मनाया जाता है, तो इसका जो 2024 का थीम है, ये जो थीम है समावेश और विविधता के माध्यम से जो है सशक्तिकरण है, ठीक है। ये ब्रेल दिवस जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा राशि क्या है, ठीक है, यानी कि कितना बीमा राशि है। तो ये है 5 लाख रुपया, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना के तहत। इसमें जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जो है सरकार द्वारा जो है देश भर में जो 1.64 करोड़ से अधिक जो है आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार ने देश का पहला रिपोर्ट प्रबंधन, ठीक है, पोर्टल RMP और मीटिंग प्रबंधन जो है पोर्टल MMP लॉन्च किया है। ये जो है हिमाचल प्रदेश किया है, ठीक है, कौन किया है, हिमाचल प्रदेश किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुशल प्रशासन के लिए जो है 2 पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है किस अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने जो है अपने P30 सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के सफल जो है अंतरिक्ष योग्यता की घोषणा की है। ये है ध्रुव स्पेस है, क्या है, ध्रुव स्पेस। चलिए इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, चलिए जो ध्रुव स्पेस जो है P30 सेटेलाइट ने अंतरिक्ष परीक्षण पास कर लिया है और ध्रुव स्पेस 2024 की पहली तिमाही में जो है अपने वाणिज्यिक जो मिशन LEAP-1 की योजना जो है बनाई है, ठीक है, लीप योजना। चलिए लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्रैश CCRAS और है NCISM द्वारा जो है शुरू किए गए स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम के संदर्भ में जो है स्मार्ट का पूर्ण रूप क्या है। तो आपको बता दें कि स्मार्ट का पूर्ण रूप यहाँ पर दिया है कि शिक्षण पेशेवरों के बीच जो है आयुर्वेद अनुसंधान को मुख्य धारा में जो है लाने की गुंजाइश है, ठीक है। चलिए
ये जो है स्मार्ट 2.0 है, ये कार्यक्रम केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद है, जिसमें CCRAS और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग जो है NCISM द्वारा जो है शुरू किया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो